नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है वर्मा ऑनलाइन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं एक ऐसा फॉर्म भरने का तरीका जो बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, अभी अभी आप जानते ही हो कि छत्तीसगढ़ में लगभग 170 से 171 स्कूल इंग्लिश मीडियम खोला गया है, जो कि स्वामी आत्मानंद जी के नाम से है स्कूल। जैसे कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रायगढ़ या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम जांजगीर चांपा, ऐसे सबका नाम रखा गया है। तो दोस्तों, इसका फॉर्म भरना आज 15 मई से लेकर 10 जून तक फॉर्म भराना है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और किन किन बातों का आपको जानकारी रखना चाहिए और किन किन बातों में ध्यान देना है। तो दोस्तों, सिंपली आपको ये जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से डायरेक्ट पेज खोलोगे तो ये वाला पेज खुलेगा। लिंक नहीं बताऊंगा क्योंकि लिंक में बताऊंगा दोस्तों तो वहां से बहुत सारे ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट नहीं खोल पाओगे। तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से जाइए और वहां से लिंक क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ जाओगे। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर देख रहे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो न्यू बोल के यहाँ चल रही है, न्यू एडमिशन देख सकते हैं। ये मेरा कर्सर है, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म स्टार्टेड 15 मई टू इन डेट 10 जून दिया हुआ है। तो आपको सिंपली स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म में क्लिक करना है। आपको बता दें कि 15 मई से 10 जून तक ही फॉर्म भराएगा। रीड यहां पर लिखा है, रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयर फुल्ली। तो यहाँ पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कूल गो टू रिपोर्ट सिलेक्शन। यहाँ पर स्कूल का भी आप डिटेल देख सकते हैं, सीट अवेलेबिलिटी आप देख सकते हो, स्टेटस यहाँ से आप क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कि सीट कैसे देखना है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन सीट है, ये देख सकते हो। जैसे बालोद दिया है दोस्तों, बालोद में दिया है यहाँ पर टोटल 5 स्कूल, टोटल ऑनलाइन 5 स्कूल है, यहाँ ऑफलाइन नहीं है। बलौदाबाजार में 6 स्कूल है टोटल के टोटल, यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन है। इसे बस्तर में दोस्तों देख सकते हो 7 स्कूल है जिसमें से 1 ऑनलाइन स्कूल है, 6 ऑफलाइन स्कूल है। तो ये पूरा स्कूल का डिटेल है, यहाँ पर देख सकते हो रायगढ़ का भी है, इसमें रायगढ़ में 9 स्कूल है जिसमें से 1 ऑनलाइन है और बाकी 8 ऑफलाइन है। रायपुर में 9 है, 9 में 9 पूरा ऑनलाइन। राजनांदगांव में 9 है, 9 में 9 पूरा ऑनलाइन है। दोस्तों, टोटल 171 स्कूल है जिसमें से 119 ऑनलाइन है और 52 स्कूल आपका ऑफलाइन है। तो यहाँ से देख सकते हो और सिंपली आप जाओगे यहाँ पर तो देख सकते हो सेकंड में क्लास 1 नंबर 9 नीड टू टिल परसेंटेज ग्रेड मीडियम फोर्थ क्लास सेकंड क्लास, यहाँ पर दिया है क्लास 2 क्लास 12 परसेंटेज ग्रेड ऑप्शन यहाँ पर दिया रहता है। जैसे कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो परसेंट हो या ग्रेड हो उसको डालना पड़ेगा, ये बोला है। डॉक्यूमेंट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और स्कूल रिजल्ट रिक्वायरमेंट टू टाइम एडमिशन, इसे बोला गया है बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और स्कूल का रिजल्ट लगेगा। इसको अच्छे से केयरफुल्ली और पढ़कर आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा चेंज वगैरह करने के लिए। तो आप ध्यान पूर्वक इस फॉर्म को भरिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट हम रायगढ़ में फॉर्म भरेंगे। आप जो भी जिला चयन करना चाहते हो दोस्तों तो आप यहाँ पर कर सकते हो। रायगढ़ के बाद जैसे आप रायगढ़ यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर दिया गवर्नमेंट नेटवर्क मल्टीपल हायर सेकेंडरी स्कूल रायगढ़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये अपना नेटवर्क स्कूल में है बोलकर। इसमें कौन सा क्लास में आपको एडमिशन लेना है ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट लेकर 10 तक तो ऐसे नॉर्मल है, लेकिन 11वीं में आपको मैथ्स बायो और कॉमर्स का ऑप्शन है, 12वीं में मैथ्स बायो कॉमर्स और आर्ट्स का भी ऑप्शन आपको अलग से दे दिया गया है। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ पर आप कौन सा क्लास में फॉर्म भरना है, यहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर। हम क्लास 1 के लिए भरते हैं, चलिए क्लास 1 कर दिए दोस्तों। देख सकते हो ये इसमें बोला है टोटल 40 सीट है दोस्तों, देख सकते हो फील्ड 0 है और वैकेंट में आपको 0 सीट है। टोटल अप्लाइड 16 अप्लाइड हो चुका है बोल के बता रहे हैं। चलिए आपका मोबाइल नंबर डाल सक देते हैं यहाँ पर और यहाँ से गेट ओटीपी करना है। यहाँ पर ओटीपी हैज बीन सेंड योर मोबाइल नंबर अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन स्टेज, ये आपको नंबर मिल गए है देख सकते हो, ये वाला नंबर आपको मिल गया है। इसको आप फोटो खींच कर रख सकते हो दोस्तों या हम कॉपी करके रख देते हैं एक जगह, फिर आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो और ओटीपी आपके मोबाइल में आ जाएगा, ओटीपी आता है CGSPTD बोल के। तो यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट का नाम, चलिए स्टूडेंट का नाम यहाँ हर्ष वर्मा, पापा का नाम है नरसिंह वर्मा। यहाँ पर बॉयस लिख देते हैं, जेंडर में गर्ल्स है कि बॉयज बोल के। यहाँ पर एज डालना है, एज के अनुसार से आपके बच्चे का एडमिशन होगा दोस्तों। हम ओबीसी डाल दिए। आपको यहाँ पर प्रीवियस क्लास पूछा, जैसे कि कोई बच्चे नर्सरी में पढ़ रहा हो या पहली क्लास ऑलरेडी पढ़ चुका हो तो कौन सा मीडियम में, तो हम इंग्लिश मीडियम डालें। परसेंटेज डाल देते हैं यहाँ पर ग्रेड 1, इसको डालने के लिए जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑप्शनल है दोस्तों। बीपीएल कार्ड है यस,
फाइनेंशियली वीकेंड है, आपका गरीबी रेखा से अगर नीचे का आता है, कम पैसा का होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है ये। और इसके बाद एनुअल इनकम फैमिली का डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना 25,000 डाल दिए हैं हम। उसके बाद एड्रेस लिख देते हैं, चलिए चक्र उदाहरण। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है दोस्तों, पिन कोड डाल दिए। पिन कोड के बाद यहाँ पर देखते थे फोटो का अपलोड करना है, फोटो अपलोड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर, चलिए हम अपना एक फोटो डाल लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद ओटीपी, तो आपको मैं बताता हूँ कि हम क्या क्या फॉर्म भरे हैं। तो दोस्तों हमने सिंपली क्या डाला, पहले आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज किए, उसके बाद स्कूल चेंज किए, इसके बाद क्लास जो क्लास में डालना है उसको डाले, इसके बाद मोबाइल नंबर डाले, यहाँ पर नाम लिखे, पापा का नाम लिखे, बॉयज गर्ल्स है उसको चेंज करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, फिर कास्ट सर्ट का आपका क्या है, स्टेट से ओबीसी वो है, उसके बाद कौन सा स्कूल में आप पहले पढ़े हो ये बोल के पूछा है, मीडियम इंग्लिश में हिंदी तो इंग्लिश में इसका ऑप्शन है। उसके बाद आपका पूछा है कि यहाँ पर बीपीएल कार्ड है से फाइनेंशियली वीकेंड, मतलब आप बहुत ज़्यादा गरीब हो ऐसे टाइप के पूछा है, तो उसके लिए ऑप्शन है। एनुअल इनकम कितना है ये पूछ रहा है, उसके बाद आपका एड्रेस पूछा है दोस्तों चक्रधर नगर रायगढ़ ये, उसके बाद फोटो अपलोड करना है, फोटो के ओटीपी जो आपको मोबाइल में आ रहा है उसको डालना है। तो सिंपली उसके बाद डालने के बाद अप्लाई फॉर एडमिशन यहाँ कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे दोस्तों तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, योर फॉर्म इज सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर एडमिशन ऑन SAGES, प्लीज नोट योर एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर यह है डाउनलोड योर एप्लीकेशन, तो आपको इसमें क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म मिल जाएगा डाउनलोड ऑलरेडी। दिखाते हैं हम, यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। और फॉर्म भरने के बाद कुछ इस प्रकार से प्रिंट मिलेगा दोस्तों, प्रिंट को निकाल कर या सेव कर कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका नाम आने के बाद ये आपका जरूरत पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये अपना स्कूल, स्वामी आत्मानंद जी गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल दिया हुआ है। यहाँ पर स्कूल का नाम है गवर्नमेंट नटवर मल्टीपल हायर सेकेंडरी स्कूल रायगढ़, नाम आ गया, पापा का नाम बॉय है, ये पूरा आ गया दोस्तों, ये पूरा आपका फॉर्म कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। और अगर कोई भी अगर जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए दोस्तों, तो नीचे में मेरा इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी ऑलरेडी दे चुका हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट मेरा मोबाइल नंबर दिख ही रहा होगा अभी इस फॉर्म में, उससे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।